एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा डीमोनेटाइज चैनल मोनेटाइज हो गया। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही है, लेकिन सच यही है फ्रेंड्स। मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था और फिर से मोनेटाइज हो गया। ये कैसे हुआ आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा आर्टिस्टिक मन स्पर्श चैनल आर्ट का चैनल है, जिसमें मैं ड्राइंग, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स करना आपको सिखाती हूँ और उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ पिक्चर्स मैंने अपने डिस्प्ले में लगा रखे हैं। ये देखिए, कुछ पेंटिंग्स हैं मेरे और ये मेरे रिसेंट वाटर कलर वर्क है जिसे मैंने श्रीदेवी जी को बनाया है और ये रविंद्र जडेजा जी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आर्टिस्टिक मन स्पर्श पर सिखाती हूँ। करीब 7-8 महीने पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, उस पर डॉलर्स बनने लगे थे, लेकिन 3-4 महीने से उस पर गूगल एडसेंस एरर आने लगा था। एरर तब आता है जब हम एक खुद अपना अकाउंट बना लेते हैं और यूट्यूब पहले से ही अकाउंट बना लेता है, तो उसमें अगर टैली नहीं होता है तो एरर आ जाता है। तो जब एरर आ गया तो मेरे डॉलर्स बनने बंद हो गए थे, हम काफ़ी परेशान हो गए थे, मेरे चैनल पे एड्स भी नहीं आ रहे थे। अभी भी शायद नए वाले जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ उस पर ऐड नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियोस पे ऐड आ रहे हैं मेरे। तो काफ़ी मैं परेशान थी, मैं समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। तो मेरे कांटेक्ट में कुछ यूट्यूबर्स थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो लोग मेरे हेल्प के लिए आए, काफ़ी हेल्प करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद मेरे कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें गूगल एडसेंस एरर के बारे में लोग बता रहे थे। कुछ क्या, मैंने बहुत वीडियोस देखे तो कुछ को फॉलो करते हुए आगे फिर रुक जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि फिर क्या करूँ। तो एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो उन्होंने बताया कि अपना कैसे यूट्यूब क्रिएटर के पास जाइए, अपना पैन कार्ड दीजिए और फोटोज़ दीजिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स। यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से यही मेल आ गया कि आपका गूगल एडसेंस एरर आप क्लियर कीजिए और आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा लीजिए। फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब क्रिएटर से मेल करके बात कीजिए, तो वो जो प्रोसेस बताते गए मेरा वैसे होता गया और फाइनली क्या हुआ कि मेरा एक अकाउंट बंद कर दिया मैंने। जैसे उसमें उन्होंने बताया था कि अपना एक अकाउंट बंद कर लीजिए, तब जाके आपका यूट्यूब क्रिएटर जो है उनसे चैट हो पाएगा। तो मैंने एक अकाउंट अपना बंद कर दिया, यूट्यूब क्रिएटर से मैंने चैट किया और रिज़ल्ट आया कि मेरे जितने भी डॉलर्स बने हुए थे वो सारे डॉलर्स मेरे ख़त्म हो गए। मेरा चैनल एकदम, मतलब जो भी एक चांस था, एकदम चांस मेरा ख़त्म हो गया। और कुछ दिन क्या हमको लग रहा है उसी दिन कुछ ठीक से याद नहीं है, उसी दिन या नेक्स्ट डे YouTube की तरफ से मेल आ गया कि वी कैन नॉट मेक यू द पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब फैमिली। बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन शॉर्टकट में बता रही हूँ कि ये मेल आ गया, यानी कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। हम काफ़ी परेशान हो गए, हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और दूसरी चीज़, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पूरी जानकारी के बगैर वीडियो मत बनाइए। लोगों के दो दो साल के मेहनत, तीन तीन साल के मेहनत आपके एक वीडियो के, 5 मिनट की वीडियो के कारण बर्बाद हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना होमवर्क करके तब आइए और तब वीडियो बनाइए, प्लीज़ आप लोग से अपील करती हूँ मैं। तो दोस्तों, जो ये 2 साल का मेरा मेहनत था, मेरा एक पल में ऐसा लग रहा था कि सब बर्बाद हो गया, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने एक नया चैनल भी खोल लिया था कि चलो ये नहीं सही तो दूसरा सही, फिर से इतना मेहनत करूँगी, ऐसे मैंने सोच रखा था। लेकिन उस पर प्लस पॉइंट था कि जो ब्लू कलर्स में आते हैं ना वो ब्लैक में आ जाते हैं उसके बाद, लेकिन मेरा ब्लू में ही आ रहा था जो आगे का प्रोसीजर करना था स्टेप टू एरर का, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे लग रहा था। तो मैंने एक यूट्यूब पे गूगल एडसेंस के बारे में और यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बनाते हैं, उनके चैनल का नाम है ट्यूब मंत्र। तो मैंने उनके
इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा हेल्प किया और सच बताऊं कि बहुत हेल्पिंग नेचर के, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मेरे चैनल को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया और 10 दिन के अंदर मेरा चैनल वेरीफाई होके आ गया और फाइनली अब मेरा चैनल मुझे मिल गया है। थैंक यू ट्यू मंत्रा भाई साहब, आपका नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन आपने मेरा बहुत हेल्प किया और बंदा लगा रहा मेरे हेल्प के लिए और फाइनली उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है गूगल एडसेंस एरर का, तो मैं कहूँगी कि आप सीधे इन ट्यू मंत्रा भाई साहब के पास जाइए, आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। और एक बात बता दूँ कि किसी को भी अपना ऐसे ही गूगल का या कोई भी पासवर्ड आईडी आप बिल्कुल मत दीजिए। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था और रिस्क इस बेसिस पे लिया था क्योंकि मैंने इनका जब चैनल देखा तो उस पर जो नीचे लोगों के कमेंट आते हैं सबका यही प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई मेरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए। मैंने आपको ऐसे मैसेज किया था, कुछ लोग लिख रहे थे कि थैंक यू भाई, आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैंने आप पर ट्रस्ट किया। तो अगर तब जाके मुझे थोड़ा सा बिलीव हुआ, लेकिन उनसे अब अगर कभी बात होगी आपकी तो आप पूछिएगा। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैंने अपना पासवर्ड वगैरह सब दिया था। तो आप ऐसे ही किसी को अपना गूगल पासवर्ड वगैरह मत दीजिएगा। मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खूब ढेर सारी पेंटिंग्स पोर्ट्रेट्स बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से। मेरा बनाने का मन ही नहीं कर रहा था पोर्ट्रेट पेंटिंग, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।